हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको टेलीग्राम पे सुबह टॉपिक दे दिया था, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक उसको लिख लिया होगा और लिखने के बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को देख रहे हो। तो ये तो हो गई बात कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ स्टडी फंडा सर्च करिए, वहाँ 25K प्लस वाला एक चैनल होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ रोज़ सुबह आपको मॉर्निंग में टॉपिक्स दिए जाएंगे लिखने के लिए। इन टॉपिक्स पे आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि शाम तक आप बिना देखे लिख रहे हैं और लिखने के बाद मेरा वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये एक फ्री इनिशिएटिव है। हाँ, बट अगर इसको किसी की जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF चाहिए सारी की सारी, तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे एक 10 रुपये का कोर्स है, उसको परचेज कर लीजिए और इस 10 रुपये के कोर्स में आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो ये सारी बातें हो गई, बाकी अब पेपर में कम दिन बचे हैं। आई थिंक मतलब कितना मई हो गई है, ये मई, जून, जुलाई, देन अगस्त। अगस्त स्टार्टिंग में है आपका पेपर, आई थिंक 6 अगस्त को है, तो आप देख लीजिए मई तो पूरी स्ट्राइक डाउन ही कर दीजिए। अब जून बचा है आपके पास, जुलाई बचा है, इन ऑल टोटल आपके पास 60 डेज बचे हैं। मई पूरा हटा दीजिए, मतलब मई तो गया, एंथ जल रहा है, कुछ मत गिनिए, 4-5 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं आपके पास, जो बचे हैं वो बचे हैं 60 दिन। अब 60 दिन में आप सोचिए आपको कितना सारा कवर करना है, पेपर 1 कवर करना है, पेपर 2 कवर करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत करना चालू कर दो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं है, मेहनत के बिना इस दुनिया में आप कुछ भी नहीं पा सकते। पेपर 1 की आपकी अलग चीज़ चल रही है, पेपर 2 के लिए फ्री इनिशिएटिव चल रहा है, इसको आप कंटिन्यूस ज्वाइन करते रहिए, अपना जो नॉलेज है इस इनिशिएटिव के थ्रू गेन करते रहिए, ताकि आप पेपर 2 में लिख पाएं और इस पेपर को पास कर पाएं। ये हो गई बात पेपर की, तो आइए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको जैसे कि पता है, अभी रिसेंटली RBI ने 2,000 रुपये का नोट है उसको वापस ले लिया है, इस नोट को वापस ले लिया है RBI ने। तो हम जानेंगे कि भाई ये इस पे रिपोर्ट के बहुत मतलब मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि आपको पता है ये जो हॉट टॉपिक्स होते हैं यही UPSC रिपोर्ट में पूछ लेता है। जैसे कि 2021 में आई थिंक पूछा था कि ऑक्सीजन क्राइसिस इन दिल्ली, तो ये सब हॉट टॉपिक्स थे। तो अभी का हॉट टॉपिक ये 2,000 रुपये का नोट है, तो हम देखते हैं अपने टॉपिक को, विड्रॉल ऑफ रुपीज 2,000 रुपीज नोट, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिपोर्ट का। यहाँ पे XYZ नाम नहीं लिखना है, प्लेस जो कि इंसिडेंट से रिलेटेड है दिल्ली, कोई भी एक बैक डेट। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने रिपोर्ट को बार बार एलिमेंट्स में तोड़ना सिखाया, व्हाट इज हैपेंड, तो क्या हुआ है भाई, RBI ने 2,000 रुपये का नोट जो है उसको सर्कुलेशन से वापस लेने के लिए कहा है, बट जो नोट है वो लीगल टेंडर रहेगा। जो सेंट्रल बैंक है, मतलब सेंट्रल बैंक मतलब RBI, सेंट्रल बैंक मत समझ लेना उसकी, वो जो अलग वाला आता है, सेंट्रल बैंक का मतलब RBI होता है यहाँ। तो हमारे RBI ने क्या कहा है कि आप अपने 2,000 रुपये के नोट है उसको पास वाले बैंक में जमा करा दीजिए, जो कि 500 और 1,000 के नोट जब हमने डिमोनिटाइज किए थे उसके बाद 2,000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस हुआ था, अब इसको भी आप अपने नियरेस्ट बैंक में जमा कराइए और क्या बोलते हैं एक्सचेंज कराइए दूसरे बैंक नोट से। तो ये RBI का नोटिफिकेशन में आया था, तो ये हमने देख लिया व्हाट हैज हैपेंड। अब हम देखेंगे वाई इट हैज हैपेंड। तो अब हम आ जाते हैं वाई पे। तो जो 2,000 का नोट है वो नवंबर 2016 में आया था RBI एक्ट के तहत, 1934 के तहत, और क्या बोलते हैं ये कब आया था, मतलब 2,000 रुपये का नोट, जैसे कि मैंने अभी बताया, जब जो लीगल टेंडर स्टेटस था 500 और 1,000 के नोट का, उसको विड्रॉन कर लिया गया था। और 2,000 के नोट को लाने का बेसिक पर्पस ये था कि जो उस टाइम की पॉपुलेशन थी, जैसे हम लोग थे, हमारी जो कैश रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, उस टाइम बिल्कुल शॉर्ट हो गई थी लिक्विडिटी। तो हमारी जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है कम से कम पेजेस में, कम से कम टाइम में फुलफिल हो चुकी, इसका एक मेजर रीजन था कि RBI ने 2,000 रुपये का नोट इंट्रोड्यूस किया था। बट एक बार और भी डिनोमिनेशन के नोट आ गए, जैसे 500 के, 100 के, 50 के, ये सर्कुलेशन में आ गए अच्छी क्वांटिटी में, तो RBI ने क्या किया, 2018-19 में ही 2,000 रुपये के नोट की जो प्रिंटिंग थी उसको स्टॉप कर दी। तो अब ये जो 2,000 रुपये के नोट हैं, अब ये अपनी लाइफ स्पेन के अंत समय में है, इनको 4-5 साल हो चुके हैं अब। और आप देखोगे भी तो जो 2,000 का डिनोमिनेशन है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होता है, और क्या बोलते हैं हमारे पास दूसरे भी नोट्स हैं, एडिक्वेट स्टॉक है 500 के, 100 रुपये के नोट का, कि हम अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, तो 2,000 रुपये नोट की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये RBI ने बोला है कि भाई ये जो हमने 2,000 रुपये का नोट विड्रॉन किया है,
ये हमने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया है। तो क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, आपको पता होगा कि आप कभी भी बैंक जाते हो तो आपको बिल्कुल करारे नोट मिलते हैं, फ्रेश नोट्स मिलते हैं। तो ये आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी है। और जो सॉइल्ड नोट्स होते हैं, मतलब जो खराब हो जाते हैं, वो क्या करता है, वो आरबीआई के पास चले जाते हैं। तो अब आरबीआई ने जब 2,000 रुपए के नोट प्रिंट करना बंद कर दिए हैं, तो 2,000 रुपए के नोट 4-5 साल इनकी लाइफ स्पैन है। अब 2,000 रुपए के नोट सॉइल्ड होने लगे, मतलब खराब होने लगे हैं। तो इसी वजह से आरबीआई पूरे नोट वापस से विड्रॉल कर रहा है, वापस से ले रहा है, ताकि ये जो क्लीन नोट पॉलिसी है इसको मेंटेन कर पाए आरबीआई। ये हमने पूरा देख लिया व्हाई इट इज हैपेंड। अब हम देखेंगे आरबीआई के फर्दर कमेंट्स हमारे कंक्लूजन सेक्शन में। तो आरबीआई ने सारे बैंक को बोला है कि भाई 2,000 रुपए के जो नोट है उनको आप नहीं दे सकते। अगर कोई आपके पास पैसे निकालने आए, आप 2,000 रुपए के नोट उसको नहीं दे सकते। आपके पास जो भी एटीएम में, कैश रिसाइकलर्स में, कहीं भी 2,000 रुपए का नोट पड़ा है, उनको वापस बुलाइए बैंक्स में और अपने नियरेस्ट आरबीआई ऑफिस भिजवा दीजिए। उसके बदले में आपको अलग से रोकड़ मिल जाएगी। तो ये हो गई बात जो आरबीआई के फर्दर ऑफ, जो मैंने कहा था कि आपको ऑल बैलेंसेस हेल्ड इन सीसी शुड बी क्लासिफाइड एज अनफिट एंड केप्ट रेडी फॉर डिस्पैच टू द रिस्पेक्टिव आरबीआई ऑफिस। तो ये आरबीआई के फर्दर इंस्ट्रक्शन। ये हमने रिपोर्ट को पूरा 360 डिग्री कवर कर लिया है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको, अगर ये टॉपिक आता है तो रिपोर्ट में इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होगी। बाकी ये हमारी पूरी रिपोर्ट थी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा क्या। तो अपना कमेंट में अपने व्यूज़ बताया करिए, ताकि हम लोग अगर कुछ गलती भी कर रहे हो तो उसको रेक्टिफाई कर पाए। इंसान है, गलती हर किसी से होती है, बट रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है। और रेक्टिफिकेशन में मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, आप लोगों का, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंटेंट मिल रहा है, सिर्फ उनका फ़ायदा हो रहा है। तो आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। और जैसे कि मैंने बताया था, अब आपके पेपर में 60 दिन से भी कम बचे हैं, तो प्लीज़ पढ़ना चालू कर दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अपने 60 डेज को फुली यूटिलाइज करो, इस पेपर टू इनिशिएटिव को फॉलो करो, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज लगा लो, स्टडी फंडा की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी खरीद सकते हो, और पेपर 2 का अपना रेगुलर लिखते रहो, आप आराम से पास हो जाओगे सीएपीएफएसी 2023 में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।